देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज देख सकते हैं आलू कटी हुई है, ये छील करके कट कर ली हूँ। आलू का सब्जी जिस तरह से आप छिलते हैं उसी तरह से ये जो छिलनी है इसी से इस तरीके से कर देना है ताकि सारा आलू जो है छेद हो जाए। ये कच्ची आलू है, उबली हुई आलू नहीं है, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से सारा आलू को कर देना है। अब इसमें नमक डाल देना है, हल्दी, पिसी हुई लहसुन, मिर्चा, अदरक, दही 2-3 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला थोड़ी सी, मिक्स मसाला 1 चम्मच, इस तरीके से मिला देना है कि थोड़ी सी कुछ देर के लिए छोड़ देना है। तब तक प्याज को थोड़ी सी फ्राई करके निकाल लेना है। प्याज को थोड़ी सी लाल कर लेना और निकाल लेना। और इसमें देख सकते हैं ये मिर्चा है, लाल मिर्चा, इसको डाल देना है। पचफोरन है और गरम मसाला है, थोड़ी सी चटक गई है। थोड़ी देर हो चुकी है मेरे आलू के, आलू दम मैं इसमें डाल देती हूँ। छोटे छोटे टमाटर है, थोड़ी सी प्याज अभी डाल देना है और थोड़ी सी बाद में। चम्मच गरम मसाला डालना है,
चम्मच काश्मीरी मिर्च, एक चम्मच लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट, इस तरीके से पानी डाल देना। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देना। और ढक देना धीमी आंच पर। ये देख सकते हैं आलू का सब्जी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से अब पक भी गई है, देख सकते हैं। प्याज को जो मैं भून के रखी थी उसे मैं डाल दे रही हूँ। इस तरीके से डाल देना है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा इस तरीके के आलू का सब्जी। थोड़ी देर के लिए मैं ढक के छोड़ देती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तरीके से देना है।